अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें पार्ट वन में हर सेक्शन में आपको 50 MCQ देखने को मिल जाएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के सवाल का पहला सवाल है, भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? स्क्रीन पर आपका सवाल है कि भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा और आपको आंसर बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, एरिस्टोटल। आंसर इज ए, आपको टेस्ट सीरीज के रूप में लगाना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। आंसर इज बी। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा एरिस्टोटल। आंसर इज ए। चौथा प्रश्न है आपके लिए, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ डैश के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है किसके अनुसार भूगोल को परिभाषित की गई? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल के अध्ययन करता है। इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, वारेनियस। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, वारेनियस के द्वारा ही पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने का विज्ञान कहा था। छठा प्रश्न है आपके लिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा है? इस प्रश्न का सही आंसर है बी, कांट। सातवां प्रश्न है आपके लिए, भूगोलिक विचारधाराओं में नवनीतवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, वर्तमान भूत की कुंजी है यह किसने कहा है? वर्तमान भूत की कुंजी है यह किसने कहा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा जेम्स हट्टन। आंसर इज बी। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, डब्ल्यू एम डेविस। आंसर इज बी। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन किसका है? इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, काल साबर। 11वां प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, पेसेल।
भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद का विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, ग्रिफिथ टेलर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना आ रहा है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा H.H. बेरोज। H.H. बेरोज आंसर इज डी। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? इस प्रश्न का आंसर है ए, थेल्स। आंसर इज ए, थेल्स। पंद्रहवा प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निवास पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? चूंकि मानव पृथ्वी पर भी निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, जीन ब्रोंस के द्वारा। आंसर इज डी। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? 16वां प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, कार्ल रीटर। आंसर इज ए। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कार्ल रीटर। आंसर इज बी। 18वां प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, कू सैंपुल। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, कोपरनिकस के द्वारा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, उपग्रह। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, केपलर के द्वारा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इसके बाद ए, निम्न में से सौरमंडल का भाग नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, निहारिका। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का सूर्य की ओर
सूर्य की ओर चक्कर लगाते ग्रह का क्रम इसका सही आंसर होगा अधिकतम रहता है जब सूर्य समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं इसका सही आंसर होगा सी 89। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 28वां प्रश्न है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी मंगल ग्रह। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है या इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये चार जो है आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी शनि। शनि क्या है? पार्थिव ग्रह नहीं है, जबकि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये चार पार्थिव ग्रह हैं, जबकि शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चार अगर आंतरिक ग्रह है तो 4 बाह्य ग्रह, क्योंकि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है 8 है, तो 4 बाह्य ग्रह 4 आंतरिक ग्रह जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है और बाह्य ग्रह जो बच गया वो बाह्य ग्रह है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है, शनि है अरुण है वरुण है, तो इसमें डी हो जाएगा मंगल, क्योंकि मंगल क्या है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह में शनि अरुण वरुण और बृहस्पति है। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह जो है सूर्य के वामावर्त घूमते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। सौर मंडल का जन्मदाता कहा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी अभिनव तारा। अभिनव तारा को ही विस्फोटी तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी कोपरनिकस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी हाइड्रोजन और हीलियम। 71% हाइड्रोजन है और बाकी शेष हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है बी प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए वर्णमंडल। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका 50 में से कितना मार्क्स आ रहा है। 41वां प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य जो है हमेशा पूर्व से निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, अपसोर। अधिकतम दूरी को एक ग्रह को अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है, जबकि न्यूनतम दूरी को उपसोर कहा जाता है। एक ग्रह अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, उपसौर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, पृथ्वी तथा सूर्य। मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकाना ही मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ है। मध्यरात्रि का सूर्य किस एरिया में दिखाई देता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, आर्कटिक में। आंसर इज सी। सूर्य में काला धब्बा क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असक्षम है, अर्थात असमर्थ है। सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 71%। आज के सेट का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, सूर्य। इस प्रकार से हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका 50 में से कितना स्कोर आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय।